श्री आनंदम धाम से मतदाता जागरूकता यात्रा निकाली गई। राष्ट्रहित में विवेक व निर्भरता से शत प्रतिशत मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सदगुरु रितेश्वर महाराज के नेतृत्व में मतदाता जागरण यात्रा श्री आनंदम धाम सामने घाट से निकाली गई, जो कि ट्रॉमा सेंटर, रविदास गेट, लंका, भेलूपुर रथ यात्रा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदागिन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान रितेश्वर जी महाराज ने लोकतंत्र की मजबूती एवं उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं से 7 मार्च के होने वाले चुनाव में शत प्रतिशत मतदान का आग्रह किया। कार्यक्रम का संयोजन श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के संजय अग्रवाल, अजय पांडे, आचार्य प्रिया शरण, प्रभु मिश्र सहित अन्य लोगों ने किया। आपका ये जागरूकता अभियान चला कहां से कहां तक चला? उत्तराखंड से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में ये अंतिम चरण का चुनाव है। मैं एक जागरूक साधु तो हूं पर जागरूक भारत का एक नागरिक भी हूँ और लोगों को ये जागरूक करने आया हूँ कि आप बड़े और पढ़े लिखे बनकर के भी 53% मतदान कर रहे हो और उसके बाद 5 साल तक रोते रहते हो कि सरकार हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। जब 5 साल में एक बार आपको मतदान करने का अवसर मिलता है तब तो आप मतदान करते नहीं और फिर 5 साल तक रोते रहते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए एक साधु होकर के भी मैं इस राष्ट्र में उत्तर प्रदेश में निकला हुआ हूं कि आप सब मतदान जरूर करें। यद्यपि मेरे वस्त्र को देख करके जरूर आप कयास लगा सकते हैं पर मेरा कयास अपने राष्ट्र के लिए है, अपनी संस्कृति के लिए है, अपने बच्चों के रोजगार के लिए है और ये तभी होगा क्योंकि लोकतंत्र यहाँ मजबूत है, संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। अगर ये सरकार बनाने में हम 100% मतदान करते हैं तो हमारे राज्य का विकास अवश्य होगा। यही संदेश देने मैं वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। आज वाराणसी कहाँ से ये जागरूकता अभियान शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? हमारा श्री आनंदम धाम आश्रम मदरवा में है। हमारे देश में कम से कम 150 आश्रम है, सेंटर्स हैं। तो आज मैं अपने काशी के आश्रम से निकला और निकलते हुए अभी पूरा लंका होते हुए और कल भी हमारी यात्रा थी गोदौलिया और मैं यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, वो लहुरावीर ये सब चौराहे से होता हुआ हर जगह। कल हम सेवापुरी भी गए थे, रोहनिया भी गए थे, तो मैं सारा जगह जा रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग मिलते हैं, हम अपने संदेश को बांट रहे हैं। हम किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं हैं, हम विवेक से प्रायोजित हैं। हम चाहते हैं हमारे भारत का उन्नति हो। भारत हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। अपने भारत के लिए ये काम करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है।